हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर से RLY ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक यादव आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों में से जो विद्यार्थी चैनल में नए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इससे रिलेटेड हर वीडियो मिल सके और वो हर वीडियो का लाभ ले सके। चलिए दोस्तों, देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर 1 है, उसमें दोस्तों हमारा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। दोस्तों इसमें संबंध क्या होता है एक बार हम बता देते हैं आपको। इसमें संबंध हमको लेके आना होगा F इज इक्वल टू R/2, यही संबंध होता है तो हमको यही प्रूव करके लेके आना होगा। F इज इक्वल टू फोकस दूरी होता है, R इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या। देखिए दोस्तों यही हमको लेके आना, एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम चाहे इसमें अवतल दर्पण से इसको प्रूव करें चाहे उत्तल दर्पण, दोनों बात देखिए दोस्तों। हम मान लेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण, इसको दोस्तों हम M1 मान लेते हैं और इसको M2, यहाँ पे M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप हिंदी राइट कर लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर दोस्तों AB है आपका एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के क्या है समांतर, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो आपको दोस्तों आपको मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, आपको बताया गया है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ से दोस्तों आपको बिंदु B है जो उस पर हम दोस्तों मान लेते हैं प्रकाश के परावर्तन से दोस्तों यहाँ से इधर गई है। देखिए यहाँ से प्रकाश किरण गई फिर अपने माध्यम में वापस लौट गई, तो यहाँ से एक अभिलंब का कार्य करेगा जो कि आपको सी करा मिलेगा। देखिए दोस्तों आपको बता दे रहे हैं, दर्पण के परावर्तक तल से किसी बिंदु पर जो अभिलंब बनता है वो कहाँ से होकर जाता है, यहाँ किसी बिंदु से अभिलंब बनाए, यहाँ से बनाएंगे तब भी सी से, मतलब इससे कोई भी बिंदु आपको सी से मिला देंगे, दर्पण के किसका कार्य करता है अभिलंब, यदि अभिलंब होगा ये आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, चलिए तो इसके बाद हम पहला टॉपिक लिखते हैं दोस्तों प्रकाश के परावर्तन से, परावर्तन के नियम से। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के नियम से, दोस्तों परावर्तन के नियम से आपको क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण देना चाहिए, कोण आई बराबर क्या बन जाएगा, कोण आर। देखिए इसको हम भाषा में लिखते हैं कोण ABC, कोण है इसी को दोस्तों हम लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण आर। दोस्तों यहाँ पर बना है CBR, यहाँ पर दोस्तों पॉइंट F है, देखिए F लिख देते हैं दोस्तों CB, यहाँ से F। देखिए दोस्तों यहाँ पर तक आप तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, दोस्तों इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा, देखिए यहाँ से देखिए कुछ समांतर प्रकाश किरणें हैं दोस्तों, यदि मान लेते हैं, देखिए यहाँ से यदि AB समांतर, इसका मतलब दोनों लाइन लिखी थी दोस्तों समांतर आपको किसको हो जाता है CP, इसको CP, यदि AB समांतर CP तथा दोस्तों यही BC एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा हो, ठीक है दोस्तों, तब इसके बाद आपको क्या होता है। देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक इसके बाद होगा, तो यहाँ से देखिए दोस्तों जब से दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, कौन से कोण से, एकांतर कोण, इस तरीके से वहां देखिए दोनों कोण बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण ABC बराबर कोण है BCF। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ बगल में इसको राइट कर देंगे समीकरण नंबर 2, ये किससे होगा दोस्तों एकांतर कोण, आप राइट करेंगे दोस्तों बगल में एकांतर कोण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए इसके बाद राइट करते हैं समीकरण 1-2 की तुलना कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, मतलब दोस्तों इसकी तुलना कर देंगे दोस्तों, दोनों दोनों कट जाएगा तो आपको बन के क्या आ जाएगा, देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, कोण CBF बराबर कोण BCF। दोस्तों इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका CBF कौन सा कोण है, CBF, इस कोण के सामने की भुजा दोस्तों आपका CF होगा, इसकी जो सामने की भुजा है CF बराबर, अब देखिए BCF के साथ बी, देखिए BCF इस कोण के सामने की भुजा आपको BF होगा दोस्तों, एनाते यहाँ से FB हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बगल में आप क्या राइट करेंगे कैसे हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हम राइट करते हैं दोस्तों ये कहाँ से बन के आया है, तो राइट कर देते हैं दोस्तों त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा, अब वो लिख देते हैं, देखिए दोस्तों त्रिभुज
के समान कोण की सम्मुख भुजा। दोस्तों आपको एक चीज याद होना चाहिए, आपको जो त्रिभुज होता है उसके यदि यदि आपको त्रिभुज के दो कोण बराबर, तो उसकी सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है दोस्तों, बराबर होता है। अब देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और हम राइट करते हैं, यदि बिंदु P दोस्तों यही यदि बिंदु P आपको यदि बिंदु B P पर आ जाएगा तो वही लाइन यहाँ पर है, फिर यहाँ पर बहुत छोटी दोनों बराबर हो जाएगा, यही राइट करते हैं दोस्तों। यदि बिंदु B ध्रुव P के बहुत है समीप हो तब क्या बन जाएगा दोस्तों, तब यहां से आपका बन जाएगा दोनों समीप होगा तो एफ बी बराबर एफ पी दोस्तों, तब आपका बन जाएगा एफ बी बराबर एफ पी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए यही दोनों आपका बनेगा यहां से। अब देखिए यहां से एफ बी एफ पी के बराबर है, तो एफ पी के स्थान पे यहां से इसके स्थान पे क्या रख देंगे दोस्तों, सी एफ, सी एफ बराबर क्या बन जाएगा एफ पी। दोस्तों उम्मीद करते इतना क्लियर होगा। देखिए अब दोस्तों आगे हम रखते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको दोस्तों। चलिए देखिए अगला स्टेप बढ़ाते हैं दोस्तों, आपको एक दो स्टेप और चलना होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए आगे चलते हैं, इसके बाद देखिए इसके स्थान पे आपने इसको राइट कर दिया, यहां से देखिए बराबर था राइट कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों हम आगे क्या चलते हैं, अगला हमारा स्टेप होगा देखिए सी एफ आपको यही है, तो आपको सी एफ का मान पता नहीं होगा, सी एफ के स्थान दोस्तों इसको पूरा रख देंगे सी पी, इसके स्थान दोस्तों रखा जाएगा आपका सी पी माइनस, देखिए यहां से यहां तक का सी पी माइनस पी एफ, यहां से इसके स्थान पे जाएगा एफ पी राइट कर देते हैं इज इक्वल टू एफ पी। देखिए इसको दर पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, दोनों जुड़ जाएगा सी पी बराबर कितना जाएगा टू एफ पी, दोनों देखिए दोनों जुड़ जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा देखिए दोनों आपका जुड़ जाएगा यहाँ से। अब देखिए दोनों का वैल्यू आपका मान रख देते हैं कितना, जो आपको मान दिया गया होगा सी पी को हमने किससे फिट किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लिया गया आर, दोस्तों ये आपका आर इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपको टू इंटू एफ पी, आपको कितना दिया गया दोस्तों स्मॉल एफ। इस तरीके से दोस्तों आपका जो कि लास्ट लाइन आपका होगा यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिएगा एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ इज इक्वल टू आर बाय टू, दोस्तों आप यहाँ से प्रूव कर लेते हैं देखिए एफ इज इक्वल टू आर बाय टू हेंस प्रूव्ड, दोस्तों आप यही राइट कर देंगे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का। देखिए दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पे एच पी आप राइट करेंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरा समझ में आया होगा दोस्तों, एक बार आप ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग को यहाँ पे पूरा प्रूव कर दिया गया है दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।